चलिए, तो अब हम बात करें कि इनके शासनकाल में होने वाला जो दूसरा या नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था, वो था आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करें इस चार्टर एक्ट की, तो आप सभी को पता होगा कि चार्टर एक्ट होता क्या है। चार्टर एक्ट जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, उसको रेगुलेट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, और ये जो होता है ये होता है चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चार्टर एक्ट बार बार रिन्यू किए जाते थे, लगभग 20 ईयर्स जो था इसका टाइम था, 20 ईयर के बाद हर एक चार्टर को रिन्यू किया जाता था। ठीक है, इसके पहले जो चार्टर एक्ट आया था वो 1813 में आया था, वो हमने डिस्कस किया है। 1813 में लॉर्ड मिंटो के समय चार्टर एक्ट आया था, और अब ये जो चार्टर एक्ट आया है उस 1813 वाले को क्या किया गया, रिन्यू किया गया। ठीक है, इस एक्ट में सबसे पहली बात आती है कि इस एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द सेंट हेलेना एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट का जो सबसे खास प्रोविजन है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है, वो ये है कि जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की हुआ करती थी ट्रेड या व्यापार में, उसे क्या किया कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी वॉज अबोलिस्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को पूरी तरह से क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की, तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे समाप्त किया गया था, लेकिन दो सेक्टर्स ऐसे थे, दो क्षेत्र ऐसे थे जिसमें मोनोपोली बनी हुई थी, और वो जो क्षेत्र थे वो थे टी और चाइना के साथ सिल्क का ट्रेड, या चीन के साथ जो व्यापार था, चीन के साथ जो रेशम का व्यापार था, उस पर एकाधिकार अभी भी किसके बने हुए थे, उस पर एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बने हुए थे 1813 के बाद भी, हालांकि मोनोपोली वहां खत्म हो चुकी थी बाकी सेक्टर्स में। 1833 आते आते जब चार्टर एक्ट रिन्यू किया गया, तो कंप्लीट मोनोपोली खत्म कर दी गई है, पूरी तरह से मोनोपोली हटा दी गई है, और अब ईआईसी टोटली इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बची है प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि 20 ईयर के लिए इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं वो क्या किए गए हैं, दे दिए गए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है कि 1813 में जो मोनोपोली थी बाकी के सेक्टर्स की, अगर हम बात करें 1813 की, तो 1813 में मोनोपोली खत्म करने के पीछे के जो कॉजेस थे वो ये थे कि लगभग 1750 के अप्रोक्स, 1750 के लगभग, इट मीन्स 18th सेंचुरी के मध्यकाल में, के मीडियवल पीरियड में, ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति उत्पन्न होती है, औद्योगिक क्रांति का उदय शुरू होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है ब्रिटेन में, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफ़ी स्पीड के साथ, काफ़ी देखा जाए तो ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, और कई कारखाने फैक्ट्रीज बनने लग जाते हैं, कई इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण जो ब्रिटिश गुड्स था, जो ब्रिटिश सामान थे, उनकी ग्रोथ हो जाती है, और वो उनकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होने लग जाती है। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग जाता है, क्योंकि ये जो गुड्स था ब्रिटेन का, ये फैक्ट्रीज में, ठीक है, भाप की जो मशीनें थी उनमें प्रोड्यूस होता था। तो अगर इस गुड्स की बात करें, इन सामानों की बात करें, तो ये क्वालिटेटिव रूप से देखा जाए तो उतना अच्छा ना था, लेकिन अगर इसे देखने में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी रोचक या काफ़ी अच्छा दिखता था। ठीक है, तो ये गुड्स फेमस होने लगे, लेकिन 1804 का जब दौर आता है, तो ब्रिटेन के जो मोस्ट मोस्ट अगर हम बड़े दुश्मनों की बात करें, सबसे बड़े एनिमीज की बात करें, तो वो फ्रेंच थे, और उसी समय फ्रेंच जो रूलर होते हैं, फ्रेंच जो शासक होते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, 1804 तक नेपोलियन बोनापार्ट अपने एकदम अपने एकदम हायर लेवल पर होते हैं, सबसे उच्च स्तर पर होते हैं, और ब्रिटिश गुड्स को वो पूरे यूरोप में बैन करा देते हैं, ब्रिटिश गुड्स को पूरे यूरोप में प्रतिबंधित करा देते हैं। ठीक है, अब जो ये यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो यूरोपीय व्यापारी थे, इनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो जाती है, और अब ये मार्केट तलाशने लग जाते हैं, मार्केट रिसर्च करने लग जाते हैं। ठीक है,
इन्हें एक बड़ा मार्केट इंडिया दिखाई देता है, लेकिन इंडिया में ट्रेड मोनोपोली होती है, व्यापारिक एकाधिकार होते हैं, और सारे के सारे मोनोपोली किसे दी हुई होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फिर इन ट्रेडर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को काफी प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, और फाइनली जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे क्या किया गया, छीन लिया गया, समाप्त कर दिया गया। और बाकी जो ट्रेडर्स थे, बाकी जो सेक्टर्स के बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लिए भी इंडिया के जो मार्केट थे वो ओपन हो गए, लेकिन दो सेक्टर्स में बची हुई थी। फाइनली 1833 तक उन दोनों सेक्टर्स को भी हटा दिया गया, और अभी आईसी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो अपने प्रशासन के लिए है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। ठीक है, वहीं पर हम दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ नोन एज, अब इस व्यक्ति को किस तरह से, इसके नाम में किस तरह से चेंज हुआ है, तो ही वॉज नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। इट मींस कि अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है पूरे इंडिया का एक प्रशासक बन चुका है, पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। और अगर देखा जाए, ऑब्वियसली अगर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है तो इसकी जो अथॉरिटी थी, इसकी जो पावर्स थी, उसमें भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट किया गया है, इनकी शक्तियों में भी वृद्धि की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो आप लोग देखेंगे जो तीसरा पॉइंट है वो ये है इस चार्टर 1833 का, अभी तक जो गवर्नर जनरल थे इनके साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्य किया करती थी, इनके साथ में एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर बात करें हम, तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 3 मेंबर्स थे, टोटल 3 सदस्य थे, और इस एक्ट के माध्यम से एक और सदस्य को यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल ये जो काउंसिल होती थी उसमें कितने मेंबर हो गए थे, टोटल 4 मेंबर्स यहाँ पे हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक नए सदस्य को एड किया गया था, एक नए मेंबर को शामिल किया गया था, और ये जो न्यू मेंबर था ये एक लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था, एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो दिस एक्ट एडेड अ न्यू मेंबर, सॉरी, दिस एक्ट एडेड अ लॉ मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया है, एक चौथे सदस्य के रूप में, फोर्थ मेंबर के रूप में। ठीक है, देखिए पहले भी ये जो है ना काउंसिल, इसमें 4 ही लोग होते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से एक मेंबर को कम कर दिया गया था। ठीक है, तब से 3 होने लगे थे, और पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 या 1784 में, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हमने इनकी संख्या में कमी की थी, लेकिन अब यहाँ पे एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 जिसे हम साथी क्या नाम से जानते हैं, सेंट हेलेना एक्ट 1833। ठीक है, तो इस एक्ट के हमने कुछ खास बिंदुओं को समझा। वाय दिस एक्ट, चार्टर एक्ट रिन्यूड फॉर 20 ईयर्स, तो यहाँ पे 20 साल के लिए रिन्यू किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को, प्रशासन के अधिकारों को क्या किया गया है, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ और चीज़ों को, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में एक कमर्शियल बॉडी के रूप में कार्य नहीं करेगी, यानी एंड ऑफ EIC एज अ कमर्शियल बॉडी। भारत में EIC एक कमर्शियल बॉडी के रूप में जो कार्य था वो समाप्त हो जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डन अ केयरफुल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इन इंडिया। द चार्टर वॉज रिन्यूड फॉर द अनदर 20 ईयर्स, बट इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड इट वॉज मेड अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। विद दिस ब्रिटेन वर अलाउड टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो समझनी है वो ये कि अब EIC सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बची है, एक प्रशासन करने की ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बची है। ठीक है, और EIC के जो कमर्शियल बॉडी के रूप में जो काम कर रही थी, जो व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी, अब वो सारी एक्टिविटी इनकी खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे देखा गया है वो ये कि ब्रिटिश वर अलाउड टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश सिटीजन्स को, ब्रिटिश वर अलाउड
वर अलाउड टू सेटल फ्रीली इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश सिटीजन्स को बिना रोक टोक सेटल होने के राइट मिल गए, इंडिया में बिना रोक टोक निवास करने के अधिकार मिल गए। ठीक है, तो इंडिया में ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश जो निवासी थे, जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे, उन्हें निवास करने के यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, राइट्स मिल जाते हैं। यानी ब्रिटिश लोग बिना रोक टोक के भारत में आ पाएंगे, भारत में घर बना सकते हैं, भारत में अपनी जमीन खरीद सकते हैं, इंडिया में अपनी लैंड परचेस कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से इंडिया में पूरी तरह से सेटल होने के राइट्स भी ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं 1833-1833 में। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जैसे मैंने बताया कि अब वो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल थे उनकी जगह पर ये बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड दी ऑल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और जितने भी प्रशासन और फाइनेंशियल मैटर्स थे, जो कार्य थे, वो अब आ गए हैं गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के हाथ में। दस विथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद पर बैठने का सौभाग्य सबसे पहले अगर मिला है तो वो मिला है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, जो एक अच्छे रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं इंडिया के समाज के। ठीक है, फोर्थ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि चौथा सदस्य नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज अगेन फिक्स्ड टू फोर। अगेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी फोर हुआ करती थी। बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 इस नंबर को रिड्यूस किया गया था, विच हैड बीन रिड्यूस्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाउएवर सर्टेन लिमिट्स वर इम्पोज्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द फोर्थ मेंबर। फॉर एग्जाम्पल द फोर्थ मेंबर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इम्पोज की गई हैं इस फोर्थ मेंबर के ऊपर। ये एक एज अ मेंबर के रूप में एक्टिविटी नहीं कर सकता है, एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरह ये मेंबर नहीं होगा, ये सिर्फ एक लॉ मेंबर के रूप में काम करेगा। और सिर्फ जो लेजिस्लेटिव पर्पस है, जो सिर्फ विधायी कार्य है, जो सिर्फ विधि से संबंधित कार्य है, कानून से संबंधित कार्य है, उन्हीं मामलों में इसका इंटरफेयर होगा, उन्हीं मामलों में इनका जो है रोल देखा जाएगा। बाकी मामलों में इसे वर्क नहीं करना, बाकी मामलों में इसकी कनेक्टिविटी या फिर अथॉरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो एज अ मेंबर के रूप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉ मेंबर के रूप में काउंसिल में शामिल हुआ। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस फोर्थ मेंबर ऑफ द काउंसिल वॉज। तो आप सभी को पता है कि इस फोर्थ मेंबर की अगर बात करें तो पहली बार इस फोर्थ मेंबर के रूप में जो व्यक्ति अपॉइंट हुआ था उसका नाम था लॉर्ड मेकाले। तो ध्यान रखना है, लॉर्ड मेकाले बिकेम द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और लॉर्ड मेकाले की अगर बात करें तो ये नाम काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये नाम काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लॉर्ड मेकाले की। उससे पहले इस अधिनियम में एक प्रोविजन ये भी था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या किया जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भागों में बाइफर्केट किया जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये जो दो भाग होंगे वो होंगे एक फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी या फोर्ट विलियम जो किला है वो प्रेसिडेंसी रहेगी, और जो दूसरी होगी वो होगी आगरा। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ एक प्रोविजन था, ये सिर्फ एक प्रावधान था जिसे कभी भी अप्लाई नहीं किया गया, जिसे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो ये सिर्फ लिखा है, ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी को बाइफर्केट करने की बात कही गई थी, स्प्लिट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रोवाइडेड फॉर स्प्लिटिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल इनटू टू प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम एंड प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। हाउएवर दिस प्रोविजन वॉज लेटर सस्पेंडेड एंड नेवर केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, तो ये कभी भी इफेक्ट में नहीं आया है, कभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे खास चीज मैंने जो आप लोगों को बताई है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है
जो पहले बंगाल थे अब वो गवर्नर ऑफ इंडिया हो गए, इनकी जो पावर्स थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट किया गया है। तो इंक्रीज या इन्हांस, इन्हांस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स में क्या किया है, बढ़ोतरी हुई है, में ग्रोथ की गई है, उनकी शक्तियाँ बढ़ाई गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी किन शक्तियों में बढ़ोतरी हुई है, किन पावर्स में ग्रोथ हुई है, किन शक्तियों को बढ़ाया गया है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 डिस्टिंक्टली स्प्लिट आउट द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल है उनको पावर्स बांटी गई, उनको शक्तियाँ दी गई। ही कुड रिपील, अब ये क्या कर सकते हैं, ये रिपील कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, और एनी लॉज और रेगुलेशंस इंक्लूडिंग ऑल पर्सन्स। तो किसी भी कानून को अगर देखा जाए, किसी भी रेगुलेशन को इनके द्वारा आप रिपील किया जा सकता है, यानी निरस्त या निरसन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। ठीक है, इसे किसी भी व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है, सारे व्यक्तियों पर लागू किया जा सकता है, पूरे के पूरे क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ पर ये लोग लागू कर सकते हैं, कंपनी के एक पर्टिकुलर ऑफिसर्स पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। युद्ध के समय अगर बात की जाए, युद्ध के प्रावधानों की अगर बात की जाए, तो उन पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिसीजन अपना ले सकते हैं। इस तरह से इन्हें काफ़ी सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है, काफ़ी ज़्यादा पावर इन्हें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, हाउएवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक्टिंग अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुड वीटो एनी लॉस मेड बाई द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा लिया गया किसी भी डिसीजन, उस पर वीटो करने का अधिकार जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों को हुआ करता था। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात करें तो कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके दो बोर्ड थे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टियर्स। प्रॉपर्टियर्स का मतलब जो स्वामी लोग थे, जो स्वामी मंडल था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अभी भी ये सुप्रीम अथॉरिटी थी कि दे कैन डू वीटो, ठीक है ना, या दे हैव अ वीटो पावर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा लिए गए डिसीजन पर वीटो करने का अधिकार किसे दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, तो ये चीज हो गई है, अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सबसे खास बात हम करें तो जो फोर्थ मेंबर अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड मैकाले या इस फोर्थ मेंबर को ड्यूटी दी गई थी कोडिफाइंग ऑफ लॉस की, कानूनों को संहिताबद्ध करने की। ठीक है, कानूनों का जो संहिताकरण किया गया है, कोडिफाइंग ऑफ लॉस जो किया गया है, वो भी किसके समय पर हुआ है, वो भी किसके शासनकाल में हुआ है, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन इसे परफॉर्म किसने किया था, तो इसका आंसर होता लॉर्ड मैकाले, और जो कि एक लॉ मेंबर थे। ठीक है, और इसके प्रावधान या इसके जो कमांड दी गई थी वो दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इज कंसिडर्ड टू बी एन अटेम्प्ट टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉस। तो जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें ये साफ साफ लिखा गया था, या इसमें साफ साफ कमांड की गई थी, साफ साफ ऑर्डर किया गया था कि भारत में जो कानून है, भारत में जो लॉज हैं, उन्हें कोडिफाई किया जाना है, इनका संहिताकरण किया जाना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई थी, इन अ स्टेप टूवर्ड्स कोडिफाइंग द लॉज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज डायरेक्टेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू सेट अप एन इंडियन लॉ कमीशन। तो यहाँ पे इस चार्टर एक्ट में कमांड किया गया है, ऑर्डर दिया गया है किसे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया है कि दे हैव टू सेट अप इंडियन लॉ कमीशन, भारतीय विधि आयोग का इन्हें क्या करना है, गठन करना है। और जो इंडियन लॉ कमीशन है, जो भारतीय विधि आयोग है, इसे ये ड्यूटी दी जाएगी, इसे ये कार्य दिया जाएगा कि इन्हें क्या करना है, इंडिया में कानूनों को संहिताबद्ध करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया, पहला जो लॉ कमीशन बनाया गया भारत में, उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए थे लॉर्ड मैकाले। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो ये जो इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन बना है, इन्होंने क्या एक्टिविटी की है,
इंडिया फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेट अप अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लॉर्ड मैकाले वॉज मेड इट्स चेयरमैन। द अदर मेंबर्स की बात करें तो कुछ लोग थे जो अदर मेंबर्स थे, लेकिन वहां से हमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से एक लॉ कमीशन बनता है जिसके पहले चेयरमैन ही कौन बनते हैं, लॉर्ड मैकाले। अब ये क्या करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ कमीशन वॉज टू इंक्वायर इन टू द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स रूल्स ऑफ द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म्स एंड जुडिशियल प्रोसीजर नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉस। तो इनका जो काम था वो क्या करना, वो एक इंक्वायरी करना, ठीक है, सारी चीजों को समझना, ज्यूरिसडिक्शन को समझना, न्यायपालिका को समझना, ठीक है, पावर एंड रूल्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स। तो पुलिस साथ साथ जो न्यायपालिका है, इनके क्या पावर्स हैं, इनके क्या, किस तरह से इनका शासन हो रहा है, एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर, जुडिशियल की जो प्रोसीजर है वो क्या है, नेचर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लॉस, सभी के सभी जो कानून यहाँ पे इम्प्लाई हो रहे हैं उनका क्या नेचर है, उनकी क्या प्रकृति है, इन सारी चीज़ों को इंक्वायर करना, इन सारी चीज़ों को समझना। एंड देन फाइनली इट वॉज डायरेक्टेड दैट द लॉ कमीशन सेल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड दिस रिपोर्ट वॉज टू प्लेस्ड इन द ब्रिटेन पार्लियामेंट। और ये सारी चीज़ों को समझ कर एक रिपोर्ट इन्हें पेश करना था, एक रिपोर्ट इन्हें बनाकर देना था किसे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को। और ये जो रिपोर्ट थी ये प्लेस की जाती ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज इट इज हुआ है, और फाइनली जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉस था वो कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की, भारत में कानूनों के संहिताबद्ध किए जाने की, तो वो भी 1833 के इस चार्टर एक्ट के प्रावधान के अनुसार किया जाता है, ठीक है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है लॉर्ड मैकाले का, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें इस अधिनियम में मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी भी एक प्रावधान था, दास व्यवस्था या दास प्रथा को समाप्त करने के लिए भी यहाँ पे उचित कदम उठाने की बात कही गई थी। दिस एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू एडॉप्ट मीजर टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी परसिस्टिंग इन इंडिया सिंस द सल्तनत इरा। तो ये जो सती प्रथा के प्रावधान या ये जो स्लेवरी थी, जो दास व्यवस्था इंडिया में थी, ये जो सल्तनत काल से चला करती थी, इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी दिशा निर्देश गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिए गए थे, ठीक है। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज ऑल्सो डायरेक्टेड टू पे अटेंशन ऑफ लॉस ऑफ मैरिज राइट्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द हेड्स ऑफ द फैमिलीज वाइल ड्राफ्टिंग एनी लॉ। तो साथ ही साथ गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये कहा गया था कि उन्हें अटेंशन करना है, उन्हें ध्यान देना है विवाह से संबंधित कानूनों के बारे में, ठीक है, फैमिली के हेड को की जो अथॉरिटीज होती है उससे रिलेटेड अटेंशन रखना है, जब भी कानून बनाया जाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो 1833 के एक्ट के माध्यम से इंडिया में जो बिशप थे उनकी अपॉइंटिंग की गई है, उनको नियुक्त किया गया, ठीक है। तो तीन बिशप नियुक्त किए गए थे, बिशप का मतलब होता है पादरी, जो क्रिश्चियन जो चर्च होती है उनका जो मेन ऑफिसर या मेन मुख्य जो रिलीजियस ऑफिसर होते हैं, जो मुख्य धार्मिक पद होता है, ठीक है, मुख्य जो रिलीजियस पोस्ट होती है उसे कहा जाता है पादरी, ठीक है, या बिशप। तो इंडिया में तीन बिशप भेजे गए थे ब्रिटिश इस अधिनियम के माध्यम से। दिस द नंबर ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट्स वर इन वॉज इंक्रीज इन इंडिया। तो पहली बात तो ये कि ब्रिटिश रेसिडेंट की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि हम पहले ही पॉइंट देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश थे उन्हें अलाउ किया गया था टू सेटल फ्रीली इन इंडिया, तो ब्रिटिश रेसिडेंट की संख्या बढ़ना था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लेड डाउन रेगुलेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो इसी के माध्यम से जो क्रिश्चियन एस्टेब्लिशमेंट है, जो क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं वो बढ़ाने हैं, क्रिश्चियनिटी को ज्यादा बढ़ाना है, तो इसी के टारगेट से यहाँ पे क्या हुआ है इन इंडिया, एंड द नंबर ऑफ बिशप वॉज मेट 3। तो जो बिशप्स के नंबर थे वो कितने किए गए, 3 किए गए। बिशप जो अपॉइंट किए गए वो तीनों प्रेसिडेंसियों में किए गए, लाइक बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ठीक है। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में पादरियों की नियुक्ति की गई, बिशप्स अपॉइंट किए गए। तो ये कुछ खास प्रावधान थे, ये कुछ खास पॉइंट थे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, काफी लेंथी और बड़ा टॉपिक है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओवरऑल अगर बात की जाए इनके शासनकाल की, तो एक अच्छे रिफॉर्मर या सोशल रिफॉर्मर के रूप में हम समझ सकते हैं। इन्होंने भारतीय धर्म, भारतीय समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास, कुरीतियां और जो गलत रीति रिवाज थे उन्हें समाप्त करने के लिए काफी स्ट्रिक्ट और सिग्निफिकेंट इवेंट या सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो है उठाई है। लाइक अगर हम बात करें तो सती प्रथा को समाप्त करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है,
क्योंकि उस समय की अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो इंडियन ऑर्थोडॉक्स काफी हावी थे, काफी उनका इन्फ्लुएंस था और उनका एक थ्रेट भी इनके ऊपर था, लेकिन इन्होंने काफी ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ ये कदम उठाया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इन्फेंटिसाइड ऑफ फीमेल्स या गर्ल्स इन्फेंटिसाइड को रोका है, साथ ही साथ जो सेक्रीफाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन होता है उसको बैन किया है। ठीक है, जो ठगी होती थी, जो ठग किया करते थे, उन्हें खत्म किया है। साथ ही साथ प्रेस को फ्रीडम दिलाने के कार्य की इन्होंने इनिशिएट किए हैं, प्रेस को फ्रीडम दिलाने की स्टार्टिंग इन्होंने की है। ठीक है, तो इंडिया के लिए काफी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ओके, तो अब हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं जिनका नाम है चार्ल्स मेटकाफ। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चार्ल्स मेटकाफ हुज रूलिंग टाइम वॉज 1835 to 1836, और इनके शासनकाल के समय पर होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की अगर बात की जाए तो उनको अब डिस्कस करेंगे हम इस तरह से अगले इस वीडियो में।